भी आप सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद पर हैं आप, लेकिन संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा, तो शायद नहीं, नहीं हमारा हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव, हाँ वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में एक पार्टी से, एक मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से लड़ा था, तो ये एक कारण है। एक स्पष्ट बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब उस समय, आज मैं स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, लेकिन एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय NSVI की टिकट पर आप वहां पर छात्र संख्या, देखिए ये कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है, नहीं नहीं कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये पत्रकार। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आरएसएस, नहीं नहीं आप हमको प्रमाण दो कि हम NSVI से कैंडिडेट थे। एक संघ के हैं, छात्र संघ के, संघ के हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं, नहीं छात्र संघ के झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। हमको बताइए कहीं विमर्श में थी हम NSVI से कब सामने रखा, कब कैंडिडेट, ये भी अच्छी बात। नहीं नहीं छात्र संघ के, नहीं नहीं हम झूठ नहीं स्वीकार कर सकते, छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। एक सेकंड, आपने कहा कि NSVI के कैंडिडेट हम कब रहे, ये प्रमाणित करें। छात्र संघ के अध्यक्ष का, नहीं तो माफी मांगे झूठ फैलाने के लिए, छात्र संघ का काम कर रहे हैं, गलत बात है ये, पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। NSVI से कोई भी जो बड़ा आदमी है वो झूठ बोलेगा वो छोटा हो जाएगा। छात्र संघ ऐसा मत करिए, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा हूँ भाई, छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। अब बताइए, और विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट था मैं, विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा है, अब बताइए। वो भी एक पार्टी थी ना, ठीक है पार्टी थी, हम कहा वो भी एक पार्टी थी ना सर, हम तो झूठ बोलने पर आपको कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो भी एक राजनीतिक दल, ठीक है राजनीतिक, ये तो और भी क्योंकि विमर्श ये चलाया जा रहा है, आप लोग ये बताते हैं कि ये छात्र इकाई है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ज्ञानशील और एकता के लिए हम परिषद में गए थे, राजनीति करने के लिए नहीं गए थे। और आप अगर विद्यार्थी परिषद के ऊपर ये कहते हैं कि वो भी राजनीतिक इकाई है, तो आप इसका मतलब कि अभी रहस्य ही नहीं जानते हैं, इसका मतलब कि आप अंदर की बात कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र इकाई है और वो छात्रों के बीच में नेतृत्व की भावना के विकास के लिए कार्य करती है, वो किसी दल का पिछलग्गू नहीं है। विद्यार्थी परिषद का कोई अध्यक्ष हो आप उससे हमारी बात कराइए, हम विद्यार्थी परिषद में रह चुके हैं, आप हमारे ऊपर ये आरोप लगाएं कि आरोप नहीं, हम पार्टी आज एक बहुत बड़ा राजनीतिक पार्टी नहीं है। स्वामी जी, दिनेश जी, दिनेश जी, एक छोटी सी बात, आज एक बहुत बड़ी सामने साफ बात आ गई कि जो एक विभ्रम फैलाया जा रहा था, स्वामी जी के मुख से स्वयं ये बात सामने आई कि वो किसी राजनीतिक पार्टी और खासतौर से NSVI के टिकट पे नहीं लड़े, ये बहुत बड़ी सच्चाई सामने क्योंकि आई, ऐसा क्योंकि आपके ऐसा बारे में, आपके बारे में फैलाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने बात रखी स्वामी जी, तो इससे उनसे नाराज मत होइए, ये अच्छा हुआ कि ये बात सामने आ गई। हम कह रहे हैं ना कि झूठ भी बहुत कुछ फैलाया गया है, तो झूठ को कम से कम जो बड़े लोग हैं उनको कंफर्म करना चाहिए। स्वामी जी क्या कि जो जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आएगा वही, अगर बड़े लोग विचारवान लोग अगर वही बोलने लगेंगे तो आम आदमी का क्या होगा। स्वामी जी एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कहा जाता है कि सितंबर 2022 में प्रियंका जी ने आपको शंकराचार्य जी संबोधित करते हुए पत्र लिखा था और मामला ये सबसे बड़ी अदालत में गया कि आपके संदर्भ में इस पदवी का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर भी स्थिति क्या स्पष्ट। देखिए ऐसा है कि हमारे संदर्भ में किसी भी न्यायालय में हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है इसका कोई मुकदमा नहीं है, आपको हम बता देना चाहते हैं, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे बीच की अदालत हो, चाहे ऊंची अदालत हो, किसी भी न्यायालय में ये विचार नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे गुरु जी ने एक मुकदमा एक व्यक्ति के खिलाफ किया था जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसको रोक दिया जाए कि अपने आप को शंकराचार्य ना कहे, निषेधाज्ञा का वाद कहते हैं इसको, तो वो निषेधाज्ञा का वाद चला, कई वर्ष लगे उसमें, सन 1989 से लेकर के वो चलता रहा और वो अलग अलग स्तर पर निर्णित होते हुए, और जिनके खिलाफ वो मुकदमा हमारे गुरुजी महाराज ने किया था उनको बार बार रोके जाते हुए कि इनको रोक दिया जाए, रोक दिया जाए, रोक दिया जाए, अब वो सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है, उसको गुरुजी हमारे लड़ रहे थे, क्योंकि उन हमारे गुरुजी शंकराचार्य हैं कि नहीं इस पर विवाद नहीं था, हमारे गुरुजी ने कहा कि मैं शंकराचार्य हूँ इनको रोक दिया जाए, उस पर वो मुकदमा चला था और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसको लिंगर ऑन प्रैक्टिस की जा रही है, क्योंकि जो प्रतिपक्षी थे हमारे गुरुजी के सामने वो सिद्ध हो गया कि वो सन्यासी नहीं है। जहाँ तक प्रियंका गांधी के पत्र की है, तो जब हमको शंकराचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया तो देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने और हमारे जो सामान्य भक्त लोग हैं उन सब ने अपने अपने ढंग से, बहुत सारे लोग, लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हुए, उसके बाद
हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सैकड़ों लोगों ने पत्र लिखे, व्हाट्सएप आदि से सूचनाएं दी, बधाई दी, ये दिया वो दिया, प्रणाम कहा। उसी में कुछ बड़े लोगों ने पत्र भी लिखे, उसमें आनंदीबेन पटेल ने भी पत्र लिखा, जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, और यही उसमें के साथ लिखा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होने पर आपको हम अभिनंदन कर रहे हैं। अनसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, उन्होंने भी पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री वहाँ उपस्थित ही रहे। जो केंद्रीय मंत्री थे प्रहलाद पटेल जी, वो वहाँ उपस्थित ही रहे, उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे ही लोग कर रहे थे, उसी में प्रियंका गांधी का भी पत्र गया। ये तो प्रियंका गांधी के पत्र जाने मात्र से हम अगर शंकराचार्य हो गए होते, या प्रियंका गांधी शंकराचार्य बना सकती है, ऐसी उसकी मतलब परिस्थिति है, तो बात अलग है। अगर वो बना सकती है एक पार्टी की नेता होने के नाते, तो ये राज्यपाल लोग नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नहीं बना सकते। ये प्रश्न, ये लोग क्यों गए हमारे पास और इन्होंने नहीं बनाया क्या? तो ये जो है केवल एक प्रियंका गांधी का पत्र निकाल करके उतने बंच में से, और उसको कोई दिखाए और उसको आप लोग फिर लगातार पब्लिश करें, इसीलिए तो 10 करोड़ का मानहानि का दावा हमने हाई कोर्ट में किया है। अब उसमें सबको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं, जो आप जानबूझ करके, जब कई पत्र हैं तो एक ही पत्र को क्यों दिखाया जा रहा है और उसी पत्र को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? क्या ये आपके गुरु भाई हैं जिन्होंने ये बात कही? जरा इसको देखेंगे और बताएंगे क्या कि क्या ये सच में आपके गुरु भाई हैं और ये जो बातें कह रहे हैं उसमें तथ्य है या नहीं, दिखाएंगे क्या प्लीज आप? अरे अमुक्ति सांद्रो की लोगों को मार रही है, किडनैप कर रही है, राम भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर आपत्ति उठा देते हैं, सन्यासी बनकर शादियों में चले जाते हैं, झूठ बोल देते हैं। केदारनाथ जी का 228 गोल्ड क्या गायब हो गया? अरे भाई अमुक्ति सांद्रो का पीतल क्या होता है, सोना हुआ क्या होता है, ये भी पता नहीं, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेट है ना, उसमें आएंगे, उसमें चिट्ठा खोलेंगे। अभी असली चिट्ठा खोला तो बहुत समस्या हो जाएगा। देखिए, हाँ ठीक है, ये देखिए, हमारे गुरुजी ने लाखों लोगों को दीक्षा दी अपने जीवन काल में, क्योंकि उनका जीवन काल बहुत लंबा रहा। 1940 से वो महात्मा हो गए थे और उनके शिष्य बनने लगे थे, आप समझिए कितना लंबा उनका 80 साल से अधिक का सन्यासी जीवन था, और आरंभ काल से ही उनके प्रति लोगों का आकर्षण था, लाखों लोगों को उन्होंने दीक्षित किया। कौन उनका शिष्य है कौन शिष्य नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ ये सन्यास में नियम है कि गुरु जिसको ये दंड है, देखिए ये दंड जिसको अपने हाथ से पकड़ाता है वो उसका दंडी सन्यासी शिष्य माना जाता है। और ये हमारे गुरु जी के 3 ही शिष्य थे, एक का अब देह छूट चुका है, 2 हम लोग हैं, एक द्वारका के शंकराचार्य जी हैं, 1 हम हैं। इनके अलावा किसी को महाराजेश्वरी ने अपने हाथ से दंड नहीं दिया, इसलिए उनका कोई दंडी सन्यासी शिष्य नहीं। तो ये व्यक्ति जो है गुरु जी का दंडी सन्यासी शिष्य नहीं है, एक बात। दूसरे वो कह रहा है कि ये लोगों को मार रहे हैं, आप बताइए मार रहे हैं तो कभी तो कोई रिपोर्ट करता, आप लोग पत्रकार हैं, कहीं तो आता कि भाई इन्होंने हत्या कर दी, कहीं किसी थाने में तो दर्ज होता हमारे खिलाफ कि इन्होंने हत्या की है, वो नहीं दिखा रहा है। फिर कह रहा है ये किडनैप कर रहे हैं लोगों को, किडनैपिंग का कोई केस हमारे खिलाफ अभी तक उसने दिखाया नहीं। फिर वो कह रहा है कि सोने पीतल का इनको भेद नहीं है, और फिर उसी वक्तव्य में अभी जो आपने नहीं दिखाया हमको दिखाया गया है, उसी में कह रहा है कि इन्होंने सोना गायब कर दिया, माने मठ का सोना गायब कर दिया। तो अगर हमको सोना पीतल का भेद नहीं पता था तो हमने पीतल क्यों गायब नहीं किया, सोना ही क्यों गायब किया? नहीं माने खुद की बात पे स्थिर नहीं रह पा रहा है वो। और फिर वो कहता है कि 228 किलो सोने की बात करते हैं, हमने अकेले ने थोड़े की है, उसमें तो पूरा मीडिया, 50 मीडिया घराने शामिल हैं जिन्होंने 230 किलो सोने की, 228 किलो सोने की बात की है।